हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एक्सेलेंट कोचिंग। कल हम लोग नर्वस सिस्टम में न्यूरॉन्स पढ़ रहे थे, तो मैं थोड़ा सा आपको एक बार रिवाइज करा देती हूँ न्यूरॉन का स्ट्रक्चर। ये न्यूरॉन है एक जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये बीच में जो न्यूरॉन की जो सेल है, एक बॉडी है, इसको सोमा बोलते हैं। ये न्यूक्लियस है और इससे कुछ ब्रांचेज निकल रही हैं। इन ब्रांचेज को हम डेंड्राइट्स बोलते हैं और इन ब्रांचेज के एंड में जो छोटे छोटे नॉब है, इनको सिनेप्टिक नॉब्स बोलते हैं। छोटे छोटे नॉब टाइप की चीज़ है, ये आपको दिख रहा होगा, बहुत छोटे छोटे हैं ये। इनकी शेप कुछ ऐसे टाइप की होती है, इनको हम सिनेप्टिक नॉब्स बोलते हैं। ये जो फाइबर सा जा रहा है, इसका जो पूरी लेंथ है एग्जॉन की, ये वाला पार्ट है जो न्यूरॉन का, इसको बोलेंगे एग्जॉन। और इसके ऊपर ये जो कवरिंग है, टुकड़ों टुकड़ों में कवरिंग हो रखी है, इसको बोलते हैं माइलिन शीथ, जो इसको प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, और ऐसे ही बहुत सारे न्यूरॉन्स हैं हमारी बॉडी में जो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, एक दूसरे की ब्रांचेस से कनेक्टेड हैं इनके थ्रू। मतलब जैसे एक न्यूरॉन की ब्रांच दूसरे न्यूरॉन के साथ ऐसे अटैच होती है, लेकिन इसमें थोड़ा सा गैप होता है, इतना ज़्यादा अटैचमेंट नहीं होता है, तो ऐसे होता है, थोड़ा सा गैप होता है। तो ऐसे फिर यहाँ से जैसे ये एक न्यूरॉन की ब्रांचेज में से एक ब्रांच है, यहाँ पे ये दूसरे की ब्रांच है, तो एक न्यूरॉन से मैसेज जब पास होता है, ये टर्मिनल पे पहुँचता है, तो यहाँ से वो जंप करके, फिर वो मैसेज यहाँ से जंप करके इधर जाता है और फिर ये दूसरे न्यूरॉन पे चला जाता है। ऐसे करते करते बहुत सारे न्यूरॉन से पास होते 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 आपका जो मैसेज है वो ब्रेन तक जाता है और ब्रेन से वापस आपके बॉडी पार्ट में आता है। तो न्यूरॉन्स का यही काम है बेसिकली, मैसेजेस को ट्रांसफ़र करना। फिर हमने इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ी थी कि ग्लायल सेल्स होते हैं। ग्लायल सेल्स का काम होता है कि जो न्यूरॉन्स हैं उनका ध्यान रखना है, जिसमें से दो टाइप के हमने पढ़े थे, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स जो आपके ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड्स के न्यूरॉन्स को उनकी केयर करते हैं, और श्वान सेल्स है जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के न्यूरॉन्स की केयर करते हैं, जो आपके बाकी बॉडी पार्ट्स में है। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को छोड़ के बाकी बॉडी पार्ट्स में वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आते हैं, उसका जो केयर करते हैं वो श्वान सेल्स करते हैं। इनको ये ग्लायल सेल्स के दो टाइप्स हैं। फिर इसके बाद आगे कंटिन्यू करते हैं इसी के आगे। एक चीज़ इसमें और है कि माइलिन शीथ प्रोड्यूस बाय श्वान सेल्स, एग्जॉन ऑफ न्यूरॉन्स फाउंड इन द बॉडी आर आल्सो कोटेड विद, जो आपके न्यूरॉन्स बॉडी में हैं उसमें एक कोटिंग और होती है छोटी सी पतली सी मेम्ब्रेन की, उसका नाम है न्यूरिलेमा, और जिसको श्वान मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। दिस मेम्ब्रेन विच सराउंड्स द एग्जॉन एंड द माइलिन शीथ सर्व्स एज अ टनल थ्रू विच डैमेज नर्व फाइबर कैन रिपेयर देमसेल्फ। तो ये मेम्ब्रेन, श्वान मेम्ब्रेन जो है, ये किसके सराउंड करती है, एग्जॉन को और माइलिन शीथ को सराउंड करती है, जो एक टनल की तरह काम करती है, जिसमें आपके डैमेज नर्व फाइबर्स जो है वो रिपेयर होते हैं। अब इसके आगे हमने ये भी पढ़ा था कि मैसेजेस कैसे ट्रांसफ़र होते हैं, जिसमें हमने एक्शन पोटेंशियल और रेस्टिंग पोटेंशियल के बारे में डिस्कस किया था। इसको भी मैं एक बार आपको रिवाइज करा देती हूँ कि जब भी कोई मैसेज आता है यहाँ से, ऐसे एंटर करता है डेंड्राइट्स के थ्रू, तो इसके अंदर के नेगेटिव चार्ज जो होते हैं, तो वो नेगेटिव होते हैं जब वो रेस्टिंग पे होता है, रेस्ट पे होता है कोई न्यूरॉन, और जैसे ही कोई मैसेज आता है तो ये पॉजिटिव चार्ज अंदर की तरफ ट्रेवल करना शुरू कर देते हैं, ये सारे पॉजिटिव चार्जेस, तो वो इस तरीके से अंदर की तरफ जाते हैं। फिर मैसेज एक स्टेप से दूसरे स्टेप पे ऐसे जाता है, तो क्या होता है, जो पीछे वाले हैं वो वापस नेगेटिव होते रहते हैं, मतलब चार्ज चेंज होता रहता है। जैसे यहाँ पे मैसेज आया, ये नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, फिर मैसेज आगे ट्रांसफ़र हुआ तो ये फिर से नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, फिर मैसेज आगे ट्रांसफ़र हुआ तो ये फिर से नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, ऐसे करते करते आगे ट्रांसफ़र होता है। तो जब रेस्ट पे होते हैं तो उसको बोलते हैं रेस्टिंग पोटेंशियल, जब आपका जो न्यूरॉन है रेस्ट पे होता है, मतलब कोई मैसेज नहीं है उसके पास, और जब वो काम कर रहा होता है तो उसको बोलते हैं एक्शन पोटेंशियल, जब वो आगे एक्शन कर रहा है कोई, तो इसको नर्व इम्पल्स बोलते हैं। नर्व इम्पल्स मतलब कैसे ट्रांसमिट हो रहा है आगे मैसेज। एज द एक्शन पोटेंशियल मूव्स डाउन द एग्जॉन टुवर्ड्स द एग्जॉन टर्मिनल, एग्जॉन और एग्जॉन टर्मिनल आपको समझ आ गया होगा कि ये जैसे न्यूरॉन है,
ये न्यूरॉन की ब्रांचेज हैं, तो यहाँ से मैसेज ब्रांचेज से अंदर न्यूरॉन पे गया, न्यूरॉन से एक्सॉन पे गया, एक्सॉन से एक्सॉन टर्मिनल्स पे गया जहाँ पे ख़त्म हो रहा है। द सेल एरियाज बिहाइंड द एक्शन पोटेंशियल रिटर्न टू देयर रेस्टिंग स्टेट। अब एक्शन पोटेंशियल के पीछे वाला जो सेल एरिया वो वापस रेस्टिंग स्टेट पे आ जाता है ऑफ नेगेटिव चार्ज। रेस्टिंग स्टेट का मतलब है नेगेटिव चार्ज, बस आपको ये ध्यान रखना है। और पॉजिटिव चार्ज अगर उसके अंदर जा रहे हैं दैट मीन्स वो एक्शन पोटेंशियल स्टेज पे है। और वो पॉजिटिव चार्ज किसके होते हैं, अगर आपसे कोई नाम पूछे कि किस चीज़ के चार्जेस होते हैं वो, तो वो सोडियम आयन्स होते हैं, सोडियम और पोटेशियम आयन्स होते हैं, जो फटाफट से उसके अंदर जाते हैं बाहर आते हैं ऐसे मूव होते रहते हैं। इसको इन्होंने यहाँ पे ग्राफ के फॉर्म में दिखाया हुआ है। उसके बाद ये लिखा हुआ है टू सम अप ऑल, जो ऊपर समझाया हुआ है उसी चीज़ की उसको ही इन्होंने यहाँ पे फाइनल लिखा हुआ है कंक्लूजन। व्हेन द सेल इज स्टिमुलेटेड, स्टिमुलेटेड का मतलब है जब कोई मैसेज आता है उसके पास, द फर्स्ट आयन चैनल ओपन्स एंड द इलेक्ट्रिक चार्ज एट द आयन चैनल इज रिवर्स्ड। मतलब जो पहला आयन चैनल है, जैसे यहाँ पे अंदर माइनस चार्जेस हैं, इस सेल है ये अंदर जहाँ से जाएगा इस एरिया को इन्होंने नाम दिया हुआ आयन चैनल, तो जैसे ये स्टिमुलेट होता है ये चैनल ओपन होता है और अंदर का चार्ज रिवर्स हो जाता है। अंदर का चार्ज क्या हो जाता है, पॉजिटिव होना शुरू हो जाता है, क्योंकि अब बाहर के नेगेटिव चार्ज अंदर आ गए हैं तो अंदर का चार्ज पॉजिटिव होना शुरू हो जाता है। द नेक्स्ट चैनल ओपन अप दैट चार्ज इज रिवर्स्ड। उसके बाद जब नेक्स्ट चैनल ओपन अप होता है आगे वाले सेल का, तो उसमें नेक्स्ट चार्ज चेंज हो जाता है। और ये कहाँ की बात हो रही है, ये एक्सॉन की बात हो रही है जिसमें से मैसेज जा रहा है आगे को। एंड बट इन द मीन टाइम द फर्स्ट आयन चैनल हैज़ बीन क्लोज्ड। मतलब अब जैसे यहाँ पे चार्ज चेंज हो गया, उसके बाद मैसेज आगे गया, फिर यहाँ पे चार्ज चेंज होना शुरू हुआ, तो ये वापस से फिर नेगेटिव होना शुरू हो जाता है, क्योंकि यहाँ से मैसेज आगे जा चुका है तो अब इसका कोई काम नहीं है इस वाले चैनल का, तो ये चैनल क्लोज हो जाते हैं इसके और ये वापस से नेगेटिव हो जाते हैं और यहाँ पे चेंजेस हो रहे होते हैं। फिर यहाँ से जब मैसेज आगे चला जाता है तो ये भी क्लोज हो जाता है और ये वापस नेगेटिव हो जाता है। रिटर्निंग टू व्हाट इट वाज व्हेन इट वाज एट रेस्ट, तो ये रेस्टिंग स्टेज पे आ जाता है वापस, फिर ये एक्शन पोटेंशियल पे आता है, फिर आगे चला जाता है तो ये भी रेस्टिंग पे आ जाता है, तो ऐसे आगे आगे ट्रांसफर होता रहता है मैसेज का। द एक्शन पोटेंशियल इज अ सीक्वेंस ऑफ आयन चैनल्स ओपनिंग ऑल डाउन द लेंथ ऑफ द सेल। मतलब कहने का ये है कि एक्शन पोटेंशियल क्या होता है, जब सेल एक से लेकर दूसरे तक आगे ट्रांसफर होते हुए मैसेज जाते हैं और एक एक करके चैनल जो है वो ओपन होता रहता है बंद होता रहता है, ओपन होता है बंद होता है चार्जेस के चेंज होने के लिए। तो इसी तरीके से हमारा जो मैसेजेस है ब्रेन को जाते हैं इलेक्ट्रिकल आयन्स की फॉर्म में, इसलिए इनको इलेक्ट्रिक मैसेजेस बोलते हैं। न्यूरॉन्स एक्चुअली हैव अ थ्रेशहोल्ड फॉर फायरिंग। अब यहाँ पे देखो ऊपर वाला जो डायग्राम है, ग्राफ है, इसमें एक चीज़ इन्होंने लिखी है, थ्रेशहोल्ड क्या चीज़ है। थ्रेशहोल्ड ये तो हमें समझ आ गया, रेस्टिंग पोटेंशियल क्या है जब कोई मैसेज नहीं है रेस्ट पे है, एक्शन पोटेंशियल क्या है जब एक्शन हो रहा है, हाइपरपोलराइजेशन है कि जब उसका चार्ज चेंज हो जाता है वापस से फिर वो रेस्ट पे आ जाता है। थ्रेशहोल्ड क्या चीज़ है, थ्रेशहोल्ड एक लिमिट होती है कि जब इतना उसको स्टिमुलेशन मिलेगा तभी वो आगे एक्शन पोटेंशियल पे जाएगा, अगर ज़्यादा स्टिमुलेशन नहीं मिलेगा इससे कम मिलेगा तो ये रेस्टिंग पे ही रहेगा, ये एक्शन पे जाएगा ही नहीं। तो मिनिमम इतना इसको स्टिमुलेशन मिलना चाहिए, मतलब इतना इसको एटलीस्ट इतने लेवल का इसको मैसेज मिलना चाहिए। इसको इन्होंने इलेक्ट्रिकल चार्ज बोला है क्योंकि हमारे को जो मैसेजेस मिलते हैं इलेक्ट्रिकल चार्ज की फॉर्म में मिलते हैं ना, तो इतना मिलीवोल्ट चार्ज होना चाहिए कम से कम एक न्यूरॉन को रेस्ट से एक्शन पे लाने के लिए, उसको बोलते हैं थ्रेशहोल्ड। और ये कितना है, एटलीस्ट 50 है, -50 मिलीवोल्ट्स है। सो एक्चुअली हैव अ थ्रेशहोल्ड फॉर फायरिंग, फायरिंग का मतलब है आगे एक्शन पोटेंशियल पे जाने के लिए, आगे मैसेज पास करने के लिए, फायरिंग वर्ड इन्होंने यूज़ किया है मैसेज पास करने के लिए। इट टेक्स अ स्टिमुलस दैट इज जस्ट स्ट्रॉन्ग इनफ टू गेट पास द थ्रेशहोल्ड टू मेक द न्यूरॉन फायर। मतलब वही है कि थोड़ा सा स्ट्रांग होना चाहिए स्टिमुलस ताकि वो न्यूरॉन आगे फायर करे। सम ऑफ दी सिग्नल्स आर मेंट टू कॉज द न्यूरॉन फायर वेयर एज अदर्स आर मेंट टू प्रिवेंट फॉर फायरिंग। अब कुछ ऐसे सिग्नल्स होते हैं जो उसको फायर करने के लिए आते हैं,
उसको फायर करने के लिए कॉज करते हैं, और कुछ होते हैं ऐसे सिग्नल्स होते हैं जो उसको प्रिवेंट करते हैं, रोकते हैं आगे फायर करने से. सो द न्यूरॉन कॉन्स्टेंटली एड्स टुगेदर द इफेक्ट ऑफ द फायर मैसेज एंड सब्ट्रैक्ट्स द डोंट फायर मैसेज, एंड इफ द फायर मैसेज आर ग्रेट इनफ द थ्रेशोल्ड इज क्रॉस्ड. अब ये कहने का मतलब है कि बहुत सारे मैसेजेस उसको मिलते हैं न्यूरॉन को, उसमें से कुछ ऐसे होते हैं जो उसको फायर करने के लिए बोलते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो फायर नहीं करने के लिए बोलते हैं. अब उसमें से जो ज़्यादा होंगे वो उस हिसाब से रिएक्ट करेगा. अगर फायर करने के लिए बोल रहे हैं जो वो मैसेजेस ज़्यादा हुए, तो न्यूरॉन अपने रेस्टिंग स्टेट से एक्शन स्टेट पर जाएगा. अगर ना फायर करने वाले अगर सिग्नल ज़्यादा हैं, तो न्यूरॉन अपने रेस्टिंग स्टेज पर ही रहेगा, वो कुछ नहीं करेगा. ठीक है, तो या तो वो फायर करेगा या नहीं करेगा, दो ही चीज़ें होती हैं. व्हेन द न्यूरॉन डज फायर, इट फायर्स इन ऑल और नन फैशन. जब भी न्यूरॉन फायर करता है, फायर करने का मतलब समझिए ना, मैसेज आगे फॉरवर्ड करता है, इट इज डूइंग इन ऑल और नन फैशन मींस या तो सारा मैसेज आगे फॉरवर्ड करेगा या कुछ भी नहीं करेगा. मतलब ऐसा नहीं होगा कि उसने आधा मैसेज आगे फॉरवर्ड कर दिया बाकी छोड़ दिया, पार्शियल नहीं होगा. या तो पूरा आगे फॉरवर्ड करेगा मैसेज या फिर कुछ भी नहीं करेगा. सो न्यूरॉन्स आर आइदर फायरिंग एट फुल स्ट्रेंथ और नॉट फायरिंग एट ऑल. जैसे लाइट का स्विच ऑन ऑफ करते हो ना आप, तो लाइट ऑन करते हो तो पूरी लाइट ऑन होती है ना, आधी नहीं होती. ऑफ करते हो तो पूरी ऑफ होती है. तो अगर आपकी उंगली का जिससे आप लाइट ऑन कर रहे हो, स्विच ऑन कर रहे हो, उसका फोर्स ज़्यादा है तो ही लाइट ऑन होगी, अगर कम है तो नहीं होगी. ऐसा तो नहीं है ना कि आधा स्विच ऑन हो जाएगा आधा ऑफ रह जाएगा. ऐसे ही न्यूरॉन को भी अगर सिग्नल ज़्यादा ये वाले मिलेंगे जो उसको आगे फायर करने के लिए कॉज कर रहे हैं, तो ही वो आगे मैसेज फॉरवर्ड करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा. पार्शियल मैसेज कभी भी फॉरवर्ड नहीं होता है. ऐसा तो नहीं होता ना कभी कि आप चलने लगे और चलते चलते बीच में रुक गए. इसका मतलब यही है ना कि आप चल रहे हो तो आप चल रहे हो, नहीं चल रहे हो तो आप बैठे हो. तो वो यही है, क्योंकि सिग्नल अगर जाएगा तो पूरा जाएगा ब्रेन तक, नहीं तो नहीं जाएगा, और वापस भी आएगा तो पूरा आएगा. ऐसा नहीं कि आपका हाथ ऊपर आधा उठते उठते रुक गया. ठीक है, सेंडिंग द मैसेज टू अदर सेल्स द सिनेप्स. अब ये आपकी वो नॉब है ना, जो सिनेप्टिव नॉब जो मैंने ऐसे बनाई थी, उस चीज़ को यहाँ पे समझा रहे हैं कि उसके अंदर क्या होता है, मैसेज में जाता है तो क्या जाता है एक्चुअली. और इस नॉब कहाँ होती है, जो छोटे छोटे जो डेंड्राइट्स हैं उसके जो एंड होते हैं यहाँ पे, जहाँ पे वो ख़त्म होता है डेंड्राइट, यहाँ पे नॉब्स हैं. तो ये हमने ऊपर देखा था डायग्राम में. तो एंड ऑफ द एग्जॉन फैंस इनटू सेवरल शॉर्ट फाइबर्स दैट हैव स्वेलिंग्स और लिटिल नॉब्स कॉल्ड सिनेप्टिक नॉब्स, या इनको आप एग्जॉन टर्मिनल भी कह सकते हो. टर्मिनल का मतलब जहाँ पे आपका एग्जॉन ख़त्म हो रहा है. तो ये बहुत सारे ऐसे डेंड्राइट्स होते हैं ना, इसके एंड में तो बहुत सारे टर्मिनल्स होते हैं. इसको इन्होंने यहाँ पे बड़ा करके दिखाया है, और इसके बीच में ये छोटे छोटे बैग्स हैं जिसके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर्स भरे हुए हैं. इनको बोलते हैं सिनेप्टिक वेसिकल्स. वेसिकल्स का मतलब है ब्लिस्टर्स या फ्लूइड फील्ड सैक, जिसके अंदर कुछ भरा हो. तो पहले ये देख लेते हैं आगे क्या बोल रहे हैं, फिर डायग्राम पे वापस आएंगे पिक्चर पे. यहाँ पे ये डायग्राम दिखाया हुआ है कि एक नर्व कैसे मसल्स के साथ अटैच हो रखा है. इनसाइड द सिनेप्टिक वेसिकल्स आर केमिकल्स सस्पेंडेड इन फ्लूइड विच आर मॉलिक्यूल्स ऑफ सब्सटेंसेस कॉल्ड न्यूरोट्रांसमीटर. मतलब ये जो छोटे छोटे बैग्स हैं जिसमें एक फ्लूइड भरा हुआ है, जिसको इन्होंने बोला है सिनेप्टिक वेसिकल्स, इसके अंदर एक्चुअली में मॉलिक्यूल्स हैं न्यूरोट्रांसमीटर के. न्यूरोट्रांसमीटर क्या चीज़ है, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था. न्यूरो मतलब न्यूरॉन और ट्रांसमीटर मतलब ट्रांसमिट करना मैसेज. तो जो न्यूरॉन का मैसेज आगे ट्रांसफ़र करते हैं उनको बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर. अब देख रहे होगे यहाँ पे इसमें से मॉलिक्यूल्स निकल रहे हैं, ट्रांसफ़र कर रहे हैं मैसेज आगे, तो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं. मतलब वो अपना मैसेज ट्रांसमिट करेंगे. नेक्स्ट टू द सिनॉप्टिक नॉब इज द डेंड्राइट ऑफ अनदर न्यूरॉन. अब ये ट्रांसफर होके कहाँ जाएगा, दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट पर जाएगा, मतलब एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन की ब्रांच पे जाएगा. बिटवीन देम इज अ फ्लूइड फिल्ड स्पेस कॉल्ड द सिनेप्स और द सिनेप्टिक गैप. यहाँ पे जो बीच में ये एक न्यूरॉन ये वाला है, ये वाला एक न्यूरॉन ये वाला है,
तो ये जो बीच में खाली जगह है इसको या तो सिनेप्टिक गैप बोलते हैं या फिर सिनेप्स बोलते हैं, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, या तो सिनेप्स बोलेंगे या सिनेप्टिक गैप, मतलब ये वाला जो गैप है दो न्यूरॉन्स के बीच में, मैंने बताया था ना आपको कि गैप होता है, एकदम साथ में जुड़े हुए नहीं होते, थोड़ा सा गैप होता है, तो ये जो गैप है इसको या तो आप सिनेप्स कहोगे या सिनेप्टिक गैप कहोगे। तो इसमें से न्यूरोट्रांसमीटर जंप करके जाते हैं, ये यहाँ से ऐसे जंप करके यहाँ जाते हैं। इंस्टेड ऑफ एन इलेक्ट्रिक चार्ज वेसिकल्स एट द एंड ऑफ द एक्सॉन्स contain the molecules of neurotransmitter and the surface of the dendrite next to the axon contains ion channels that have receptor sites. Protein that allow only particular molecules of a certain shape to fit into it just as only particular key to fit into a keyhole. अब इसका मतलब ये है कि जब यहाँ से neurotransmitters निकलते हैं तो यहाँ पे receptors होते हैं, receptor site मतलब उनको receive करने के लिए कुछ चीज proteins होते हैं। अब इन प्रोटीन्स में जो ट्रांसमीटर फिट हो जाते हैं वो अंदर चले जाते हैं और जो फिट नहीं हो पाते वो रह जाते हैं। तो ये यहाँ पे ऐसे जंप करके आ रहे हैं न्यूरोट्रांसमीटर, न्यूरोट्रांसमीटर में मैसेजेस हैं जो वहाँ से आए हैं, यहाँ से ऐसे जंप करके आएंगे, इधर ये रिसेप्टर साइट्स हैं जहाँ पे उनको रिसीव किया जाएगा। तो जिनकी शेप उस पर फिट आ जाएगी, एक चाबी की तरह जैसे ताले में चाबी फिट आ जाती है, वो तो पास ऑन हो जाएंगे, बाकी रह जाएंगे। ओके, द मॉलिक्यूल्स देन फ्लोट अक्रॉस द सिनेप्स एंड मैनी ऑफ देम फिट देमसेल्व्स ऑन द रिसेप्टर साइट्स, मतलब काफ़ी उसमें अपने आप को फिट कर लेते हैं। ओपनिंग द आयन चैनल्स अलाइंग सोडियम टू रशियम, तो सोडियम आयन्स आगे पास ऑन हो जाते हैं, जो पीछे से आ रहे थे प्लस पॉजिटिव साइंस वाले वो आगे ट्रांसफर हो जाते हैं नेक्स्ट उसमें, एक्टिवेटिंग द नेक्स्ट सेल। इट इज़ दिस वेरी एक्टिवेशन दैट स्टिमुलेट्स और रिलीज द एक्शन पोटेंशियल, ठीक है, ये एक्शन पोटेंशियल हो रहा है आपको बता दिया था मैंने। मसल्स और ग्लैंड्स में कुछ स्पेशल सेल्स और रिसेप्टर साइट्स होती हैं जैसे डेंड्राइट में होती हैं। तो ये जो यहाँ पे आपको फोटो दिखाई हुई है वो यही दिखाई हुई है कि कैसे एक न्यूरॉन जो है एक मसल से कॉन्टैक्ट कर रहा है और वहाँ से ट्रांसफर हो रहा है मैसेज। तो आपके हाथ के मसल्स में होगा तो जैसे आप हाथ हिलाओगे या पैर हिलाओगे तो वो इस तरीके से मैसेज ट्रांसफ़र होता है। जैसे आप किसी गर्म चीज़ को हाथ लगा दो तो आपका हाथ एकदम पीछे जाता है, वो कैसे, क्योंकि ब्रेन के पास सिग्नल जाता है और ब्रेन आपको वापस सिग्नल देता है कि आपने हाथ हटाना है, और ये बहुत फास्ट होता है, आपको एक मिनट भी नहीं लगता, उससे भी कम टाइम लगता है ना ये रियलाइज़ करने में कि गर्म है, तो उतना ही टाइम लगता है बस। ओके, तो न्यूरोट्रांसमीटर केमिकल्स होते हैं, जैसे आपके एग्जॉन के अंदर तो इलेक्ट्रिक सिग्नल्स चल रहे हैं प्लस माइनस वाले, लेकिन जो न्यूरोट्रांसमीटर्स जो हवा में निकले हैं गैप में यहाँ पे जो निकले थे वो केमिकल्स होते हैं। तो पहले इलेक्ट्रिकल होता है, फिर केमिकल, फिर वापस इलेक्ट्रिकल में चेंज हो जाता है, और इसी चीज़ से आपके जो है मसल्स और बाकी पार्ट्स ऑफ द बॉडी जो है उस पर रिएक्ट करते हैं। बट द न्यूरॉन्स मस्ट हैव अ वे टू बी टर्नड ऑफ एज वेल एज ऑन, मतलब एक जैसे ऑन करने का तरीका होता है न्यूरॉन्स को एक्टिवेट करने का, वैसे डीएक्टिवेट करने का भी एक तरीका होना चाहिए, वरना आप एक्शन करते ही रहोगे, उसको आपके एक्शन को रोकने का भी तो तरीका कुछ होना चाहिए, वरना तो आप कुछ चीज़ करना स्टार्ट करोगे आप रुकोगे ही नहीं। तो ऐसे ही ना दो तरीके के न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, एक को बोलते हैं जो एक्साइटेटरी इफेक्ट देते हैं, एक्साइटेटरी मतलब जो आपको एक्शन करने के लिए एक्साइट करते हैं, दूसरे होते हैं जो इनहिबिटरी इफेक्ट देते हैं, जो आपको रोकते हैं जब आपको ज़रूरत नहीं है कोई एक्शन करने की। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है मसल्स आर टोल्ड टू कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स एंड ग्लैंड्स आर टोल्ड टू सिक्रीट और स्टॉप सिक्रीटिंग देयर केमिकल्स, या तो मसल्स को पहले कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए बाद में रिलैक्स करने के लिए, मतलब पहले ऑन करने के लिए फिर ऑफ करने के लिए, ऐसे ही ग्लैंड्स को पहले हॉर्मोन्स रिलीज करने के लिए या फिर बाद में रोकने के लिए, हमें दोनों चीज़ों के लिए न्यूरोट्रांसमीटर चाहिए, अदरवाइज एक फंक्शन स्टार्ट होगा तो वो होता ही रहेगा बॉडी में और उससे आपको बहुत ज़्यादा हार्म हो सकता है। द न्यूरोट्रांसमीटर्स फाउंड एट वेरियस सिनेप्सिस अराउंड द नर्वस सिस्टम कैन आइदर टर्न सेल्स ऑन,
called excitatory effect or turn cells off called inhibitory effect. तो जो neurotransmitters हैं वो दो तरीके के काम करते हैं, वो excite भी करते हैं, वो inhibit भी करते हैं. मतलब वो ऑन भी करते हैं आपके उसको नर्व्स को, न्यूरॉन्स को ऑफ भी करते हैं, सिग्नल फॉरवर्ड भी करते हैं, सिग्नल रोकते भी हैं. डिपेंड करता है कि कौन से वाले न्यूरोट्रांसमीटर ज़्यादा हैं. ठीक है, तो वो जो आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं जो आपको एक्साइट करते हैं काम करने के लिए, उनको एक्साइटेटरी सिनेप्सिस बोलते हैं, और जो रोकते हैं उनको इनहिबिटरी सिनेप्सिस बोलते हैं. ये दोनों ही ज़रूरी हैं. जैसे मैंने आपको हाथ जलने वाला एग्जाम्पल दिया था, एक एग्जाम्पल और इसका मैं देके बता रही हूँ. सपोज आपके हाथ में चोट लग जाती है, तो आपके जो मसल्स हैं उसमें कुछ केमिकल्स छोड़ते हैं उसको ठीक करने के लिए चोट को. लेकिन वो जब ठीक हो जाएगी तो उसको रोकना है ना केमिकल्स को, वरना अदरवाइज वो छोड़ते ही रहेंगे. तो वो रोकने के लिए भी फिर मैसेज जाता है, तो जो रोकते हैं वो इनहिबिटरी हो गया. अब न्यूरोट्रांसमीटर्स के बारे में बात कर लेते हैं जो ये सारे काम कर रहे हैं. मेन काम तो न्यूरोट्रांसमीटर ही कर रहा है आगे जाने का. तो देर आर 100 आइडेंटिफाइड न्यूरोट्रांसमीटर. अभी तक 100 न्यूरोट्रांसमीटर आइडेंटिफाई हो चुके हैं, जिसमें से कुछ हम अभी पढ़ेंगे, और उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन अभी 100 आइडेंटिफाई हुए हैं. और जो पहला न्यूरोट्रांसमीटर सबसे पहले आइडेंटिफाई हुआ था वो था एसिटाइल कोलीन. इसके बारे में हमने 11th-12th के नर्वस सिस्टम जब पढ़ा था तो हमने इसको पढ़ा था. वहाँ पे मैंने इसको शॉर्ट में ACT करके लिखा हुआ है, उस वीडियो में आप देख सकते हो. सो ये पहला ऐसा न्यूरोट्रांसमीटर है जो मिला था, आइडेंटिफाई हुआ था. और ये कौन से सिनेप्स में मिलता है? सिनेप्स मतलब वो जो गैप है, सिनेप्टिक गैप, न्यूरॉन्स और मसल सेल के बीच में. दैट मीन्स इसका क्या काम है? न्यूरॉन से मसल पे मैसेज पहुंचाना, ताकि आप अपने मसल्स हिला सको. तो ये आपके स्केलेटल मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करने में हेल्प करता है. ठीक है, इफ एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर साइट्स ऑन द मसल सेल आर ब्लॉक्ड. अगर मान लो इसको कोई ब्लॉक कर दे, इस न्यूरोट्रांसमीटर को कोई ब्लॉक कर दे, तो क्या होगा? आपके मसल्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे और आप पैरालाइज हो जाओगे. तो जैसे आपने सुना ही होगा कि कई बार लोग को पैरालिसिस हो जाता है, मसल्स वगैरह नहीं हिला पाते हैं. तो दैट मीन्स वो एसिटाइल कोलिन जो है न्यूरोट्रांसमीटर, वो ब्लॉक हो गया, वो उनके मसल्स को एक्साइट नहीं कर पा रहा है. ओके, अब इसका एक उल्टा भी होता है. इसमें एक चीज़ इसमें बहुत इंटरेस्टिंग यहाँ पे बताई हुई है. ये आपको यहाँ पे स्पाइडर दिख रहा होगा, एक ये ब्लैक विडो स्पाइडर है. ब्लैक विडो स्पाइडर क्या करता है? इसका जो जहर होता है ना, अगर ये आपको काट ले तो ये एसिटाइल कोलीन का जो फ्लो है ना वो इंक्रीज कर देता है, मतलब बहुत ज़्यादा कर देता है. अब कोई चीज़ आपके मसल्स को कंट्रोल कर रहा है रिलैक्स होने में और कॉन्ट्रैक्ट होने में, अगर उसका फ्लो बहुत ज़्यादा हो जाए उस न्यूरोट्रा, क्या होगा? फिर दौरे पड़ने शुरू हो जाएंगे, आपको कन्वर्जन आ जाएंगे और डेथ हो जाएगी. तो जब ये काटता है ब्लैक विडो स्पाइडर किसी को, तो आपका जो फ्लो ऑफ एसिटाइल कोलीन है बहुत ज़्यादा हो जाता है ब्लड में, और कन्वर्जन आने शुरू हो जाते हैं और डेथ हो जाती है. इसको लिखा हुआ है इन्होंने एगोनिस्ट. एगोनिस्ट का मतलब जो इसका इफेक्ट है एनहेंस कर दे. इनहेंस मतलब इसका इफेक्ट बढ़ा दे. और इसके उल्टा होता है, एक वर्ड है यहाँ पे एंटागोनिस्ट. एंटागोनिस्ट मतलब जो इसके इफेक्ट को कम कर दे. एंटागोनिस्ट केमिकल सब्सटेंसेस दैट ब्लॉक और रिड्यूस सेल्स रिस्पॉन्स टू द एक्शन ऑफ अदर केमिकल्स. एगोनिस्ट मतलब दैट एनहेंस द इफेक्ट ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर. अब एक तो मसल से रिलेटेड हो गया, दूसरा इसका काम और है एक, ये मेमोरी, अराउजल और अटेंशन में भी हेल्प करता है. जैसे इन्होंने बताया है कि हिपोकैम्पस एक ब्रेन में एक एरिया होता है जो नई मेमोरीज बनाता है, तो उसके लिए भी एसिटाइल कोलीन ही रिस्पॉन्सिबल है. और जिसके माइंड ब्रेन में एसिटाइल कोलीन का फ्लो कम हो जाता है उसको भूलने की बीमारी हो जाती है, जिसको बोलते हैं अल्जाइमर. डिमेंशिया क्या एक टाइप है, डिमेंशिया क्या होता है? भूलने की बीमारी है, उसी का एक टाइप है अल्जाइमर.
वो किस लिए होता है? जब ब्रेन में एसिटाइलकोलीन का फ्लो कम हो जाता है, ठीक है। और आगे चलते हैं, ये हमने पहला अभी फर्स्ट जो वो करा डिस्कस, पहला न्यूरोट्रांसमीटर जो आइडेंटिफाई हुआ था। दूसरा है, एक और न्यूरोट्रांसमीटर इन्होंने डिस्कस किया हुआ है, ये है ग्लूटामेट। ग्लूटामेट, ठीक है, ग्लूटामेट का इम्पॉर्टेंट रोल होता है लर्निंग और मेमोरी में। लर्निंग और मेमोरी में बहुत इम्पॉर्टेंट है, और इसमें लिखा हुआ है इन्वॉल्व्ड इन द डेवलपमेंट ऑफ नर्वस सिस्टम एंड इज सिनैप्टिक प्लास्टिसिटी। नर्वस सिस्टम की डेवलपमेंट में भी हेल्प करता है, फिर तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया, क्योंकि पूरा नर्वस सिस्टम इसके ऊपर इसकी वजह से जो है डेवलप होता है। और अगर ये ज़्यादा हो जाए, एक्सेस हो जाए ग्लूटामेट, तो ओवर एक्टिवेशन कर देता है, नर्वस सिस्टम को ओवर एक्टिवेट कर देता है, जिससे न्यूरॉन्स डैमेज हो जाते हैं। तो ज़्यादा भी ठीक नहीं है और कम भी ठीक नहीं है। तो ये दूसरा हो गया आपका ग्लूटामेट। तीसरा है GABA, इसके बारे में भी हमने 11th-12th की वीडियोस में पढ़ा था, जिसको हम बोलते हैं गामा अमीनो ब्यूटेरिक एसिड। गामा अमीनो ब्यूटेरिक एसिड, ये गामा का सिंबल है। तो ये तीसरा न्यूरोट्रांसमीटर है। ये क्या करता है? ये इनहिबिशन इफेक्ट करता है। इनहिबिशन मतलब ये रोकने का काम करता है। ये जो दोनों थे, ये एक्साइटमेंट का काम करते थे, ये रोकने का काम करता है। क्या रोकता है? ये एंग्जाइटी को कम करता है। जब हम घबराते हैं, एंग्शियस होते हैं, ये हमें थोड़ा सा काम डाउन करने का काम करता है, एंग्जाइटी लेवल कम करता है। तो ये भी बहुत ज़रूरी है। चौथा आ जाता है सेरोटोनिन। चौथा न्यूरोट्रांसमीटर सेरोटोनिन, ओरिजिनेटिंग इन द लोअर पार्ट ऑफ द ब्रेन दैट कैन हैव आइदर एक्साइटेटरी और इनहिबिटरी। अब ये दोनों काम करता है, लोअर पार्ट ऑफ द ब्रेन में है, एक्साइट भी करता है, इनहिबिट भी करता है। डिपेंड करता है कि एक पर्टिकुलरली कौन से काम के लिए इस पे मैसेज भेजा गया है। तो जैसे ये स्लीप, मूड, एपिटाइट, इन चीज़ों के लिए है। तो या तो जैसे आपकी स्लीप के लिए कुछ फंक्शंस को, जब आप सोते हो तो कुछ चीज़ें स्लो डाउन हो जाती हैं, आपका हार्ट रेट स्लो हो जाता है, आपका डाइजेशन स्लो हो जाता है, तो इसका मतलब ये उस टाइम पे इनहिबिटरी काम कर रहा है। और अगर आपको भूख लगी है तो कुछ चीज़ें बढ़ जाती हैं, आपके केमिकल्स रिलीज होने बढ़ जाते हैं जो आपको बताते हैं आपको भूख लगी है, तो उस टाइम ये एक्साइटेटरी काम कर रहा है। तो ये दोनों काम करता है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी यहाँ पर ये चीज़ है नोट करने वाली, कि अगर ये बहुत ही कम हो जाए तो डिप्रेशन हो सकता है। तो डिप्रेशन से कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर रिलेटेड है? सेरोटोनिन, ये आपने याद कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है नाम। फिर आता है आपका पांचवा डोपामिन। ये तो बहुत ही ज़्यादा फेमस न्यूरोट्रांसमीटर है, काफ़ी लोगों को इसके बारे में पता है, क्योंकि ये भी बहुत अलग अलग इफेक्ट्स होते हैं इसके भी। अगर ये ब्रेन में कम हो जाए, लिटल डोपामिन अगर ब्रेन में हो जाए, तो पार्किंसन डिसीज हो सकता है, जो कि इसमें बताया हुआ है कि फॉर्मर बॉक्सिंग चैंप मोहम्मद अली को है, और एक एक्टर है माइकल जे फॉक्स, ये दोनों उससे सफ़र कर रहे थे। तो ये इसका पार्किंसन डिसीज़ में प्रॉब्लम आती है, जिसमें मसल एक्टिविटी में प्रॉब्लम हो जाती है, मसल्स वगैरह हिलते नहीं है, मतलब उसमें मसल्स जो है बहुत स्लो हो जाते हैं। और अगर ज़्यादा हो जाए तो स्किज़ोफ्रेनिया टाइप की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, नर्वस डिसऑर्डर्स, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, जिसके बारे में हम आगे चैप्टर्स में पढ़ेंगे। तो हमने कितने न्यूरोट्रांसमीटर्स डिस्कस किए यहाँ पे? 1, 2, 3, 4, एक ये एक्स्ट्रा दिया हुआ है, एक ये एक्स्ट्रा दिया हुआ है, हमने 5 करे थे। तो ये एसिटाइलकोलीन था, अराउजल, अटेंशन, मेमोरी एंड मसल कॉन्ट्रैक्शन, सेरोटोनिन था, एक्साइटेटरी भी है, इनहिबिटरी भी है, मूड, स्लीप और एपिटाइट में है, गाबा था, ये स्लीप के लिए था, और बेसिकली नर्वस ग्लूटामेट था, ये एक्साइटेटरी है। आपको ये थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि कई बार मैच द फॉलोइंग में आ सकता है कि कौन सा सिर्फ एक्साइटेटरी है और कौन सा दोनों है, मतलब कौन सा है जो एक्साइट भी करता है, रोकता भी है, और कौन सा है जो सिर्फ एक्साइट करने का ही काम करता है। तो ये लर्निंग, मेमोरी, नर्वस सिस्टम की डेवलपमेंट के लिए ग्लूटामेट है। ये डोपामिन हमने पढ़ा था,
कंट्रोल ऑफ मूवमेंट. मूवमेंट क्यों? क्योंकि पार्किंसन डिसीज में मूवमेंट की प्रॉब्लम आ जाती है ना, मैंने बताया था मसल्स की. और सेंसेशन ऑफ प्लेजर, जिन लोगों में डोपामिन कम होता है वो खुश भी कम रहते हैं, पता है उनको, उनको डिप्रेशन उनको भी हो सकता है, क्योंकि ये प्लेजर का सेंसेशन पे भी इसी पे डिपेंड करता है. प्लेजर मतलब खुश रहने वाला. अच्छा, नॉर एपिनेफ्रीन में क्या लिखा हुआ है, ये एक्साइट करता है मेनली अराउजल एंड मूड के लिए. और एंडोर्फिन्स इनिबिटरी है, जो पेन रिलीफ करता है, आपकी पेन को इनिबिट करता है, कम करता है. तो ये आपको 7 न्यूरोट्रांसमीटर्स उनके फंक्शन है. अच्छा सा टेबल इन्होंने बना रखा है याद करने के लिए, आप नोट कर लेना. और इसके आगे अब नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे. आई होप आपको समझ में आ गया होगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग.